जनता वाकई किस मूड पे है, कितना फॉलो करती यंग इंडिया की यंग मौजूद है तो, आसिफ हम चाहेंगे इन चुनावों में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प मानते हैं या रोचक मानते हैं और क्यों नजरें लगाए बैठे हुए इन चुनावों मैं पर बिल्कुल चलिए क्या सब यू सोचता है तो जब बात चली है तो एक एक बड़ी अच्छी चीज आई सामने मैं जब सुन रहा था मंडी से नीता जी बात कर रहे थी। उसमें एक दर्शक ने कहा कि जंगल की आग वहां बड़ा एक मुद्दा है तो एक बड़ी पुरानी साथ जैसा कहा गया कि एक बार जरा इनका भी एक सैंपल ले लें कि ये क्या सोचते हैं कोई बताएगा नहीं कि वोट किसको दिया अगर किसी ने दे दिया ये कोई नहीं बताएगा बस अपने दिल की बात करेगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने किस मुद्दे पर आपने वोट दिया

घर परिवार में एक नौकरी जब पहुंचा देंगे तो आप खड़े उतरेंगे ये हमारा मुद्दा है इसी वजह से मैंने वोट दिया है इसी मुद्दे पर अच्छा ठीक है आप बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए युवाओं के लिए क्या मुद्दा है इस बार कोई बोलेगा इस पे क्या मुद्दा बताइए आप बताइए मुझे ऐसा लगता है कि क्या मुद्दा है उससे ज्यादा जरूरी था इस बार डिसाइड करना कि क्या मुद्दा नहीं होना चाहिए दिमाग में रखना जैसे कि मंदिर मस्जिद इन सब पे वोट नहीं देना अभी हमने मन, तो मुद्दा क्या मुद्दा नहीं होना चाहिए था सर मुझे वही उसी पे मैं आता हूं अभी हमारी मंडी पे हमने बात की अब सर आपने देखा होगा इस पूरे कैंपेन में कंगना रनौत जी ने पूरे कैंपेन में सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मांगा उनके जो शब्द थे सबसे ज्यादा आए वो मोदी हिंदुत्व इन सारे मुद्दों पर बात तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों से हमें भटकना उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहिए हमारे मुद्दे होने चाहिए हेल्थ केयर जैसा कि उन्होंने बोला एम्प्लॉयमेंट इन सारे मुद्दों इन सारे मुद्दों पर हम लोगों लोग नजर चाहिए

वो एक रेफरेंडम हो जाता है कि ये, ये लीडर चाहिए या नहीं चाहिए और फाइनली आप देखिएगा कि यही सबसे बड़ी चीज रहेगी मोदी और नो मोदी। हाँ और अपोजिशन का भी यही रहा है कि मोदी हटाओ आप देखिए अगर टोटल वो हाँ। करके और 2014 से जब नीतीश ने कहा था कि बीजेपी हमें मंजूर है मोदी नहीं मंजूर है याद कीजिएगा और तब से ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड मैं नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी ने कायम किया है आप देखिए 77 में जब इतना बड़ा परिवर्तन हुआ तो जेपी के नाम पर हुआ था जयप्रकाश नारायण के और नेहरू जी जब थे तो गांधी के नाम पर मतलब एक गांधी परिवार और नेहरू जी के नाते वो जीतता रहा तो पार्लियामेंट का इलेक्शन ईमानदारी से प्रधानमंत्री का इलेक्शन कहने के लिए हम पार्लियामेंट्री फॉर्म हैं लेकिन वो हो जाता है रेफरेंडम